हाय, हम बात कर रहे हैं फंजाई की। फंजाई के क्लासिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। लगभग 1,00,000 स्पीशीज फंजाई की पाई जाती हैं, जिसके 4 मेन ग्रुप हैं, जिसमें ये क्लासिफाइड है। जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटीरोमाइकोटिना। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम समझेंगे जाइगोमाइकोटिना के बारे में। इसे कॉन्जुगेशन फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ये फंजाई टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में यानी ज़मीन पर पाए जाते हैं और ये सॉयल और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में मिलते हैं। ये जनरली एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं और ये एसेक्सुअल स्पोर्स स्पेशलाइज्ड हाइफी पे लगे होते हैं, जिसको स्पोरेंजियोफोर्स के नाम से जाना जाता है। ये स्पोर्स विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। इन फंजाई की खास बात यह है कि इनमें मोटाइल सेल्स, जू स्पोर्स इनकी लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज में नहीं पाई जाती। जी हाँ, जाइगोमाइकोटिना फंजाई में जू स्पोर की मोटाइल सेल्स लाइफ साइकिल की किसी भी स्टेज में नहीं होती है। इस ग्रुप का नाम जाइगोमाइकोटिना इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जाइगोस्पोर्स पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी टफ और रेजिस्टेंट होते हैं और ये गैमेटेंजिया के फ्यूज़न से बने हैं। यूजुअली ये एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जब कंडीशन सही होती हैं तो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर, जिसे हम जाइगोट कह सकते हैं, उस पर एक टफ कोट होता है, वो मियोसिस करता है और नए हैप्लॉयड माइसीलियम को बर्थ देता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जाइगोमाइकोटिना में जो फंगस आती हैं उनका नाम है म्यूकर एंड राइजोपस। राइजोपस बहुत ही कॉमन सेप्रोट्रॉफ है और ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मिलती है, जैसे ब्रेड पे, जेली, सिरप, लेदर। राइजोपस स्टोनली फर कॉमनली ब्रेड मोल्ड के नाम से जानी जाती है। ये मोस्ट वाइडली नोन स्पीशीज है। इसके अलावा ये एप्पल्स पे और दूसरे फ्रूट्स पे भी ग्रो कर सकती है और सॉफ्ट रॉट डिजीज कॉज करती है। राइजोपस की स्पीशीज म्यूकर माइकोसिस डिजीज कॉज करती है, जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स में होता है। इसके अलावा ये हमारे नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करती है। माइसीलियम अगर देखा जाए जाइगोमाइकोटिना का, तो वाइट कॉटनी ग्रोथ करता है और सीनोसिटिक है यानी मल्टी न्यूक्लेटेड है और ब्रांच्ड होता है माइसीलियम। इसमें 3 तरीके के हाइफी मिलते हैं, स्टोलन, राइजॉइड्स एंड स्पेरेंजियोफोर्स। स्टोलन हॉरिजेंटली ग्रो करता है सबट्रेशम पे और राइजॉइड्स का टफ्ट यानी गुच्छा प्रोड्यूस करता है। स्पोरेंजियोफोर इरेक्ट, एरियल और अनब्रांच हाइफी है, जो कि टफ्ट की फॉर्म में ग्रो करती है और ये स्टोलन के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। राइजॉइड्स स्टोलन के उल्टी दिशा में होते हैं। ये टर्मिनल स्पोरेंजिया को बियर करते हैं और रिप्रोडक्टिव इन फंक्शन होते हैं। राइजोपस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जाइगोमाइकोटिना, जिसे कॉन्जुगेशन फंजाई कहते हैं, उसकी डिटेल के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम फंजाई के दूसरे ग्रुप एस्कोमाइकोटिना, जिसे सेक्ट फंजाई कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हाय, हम बात कर रहे हैं फंजाई की।